आजादी के बाद के सफर में भारत ने खुद को दुनिया के सामने एक मजबूत मुल्क के रूप में स्थापित किया है। इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय सेना की रही है, जिसने हर मौके पर अपने पराक्रम से दुश्मनों को पस्त किया है। लेकिन सेना का यह पराक्रम उन शानदार हथियारों की बदौलत होता है जो अभी दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही हैं। यहाँ तस्वीरों में देखें भारतीय सेना के सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार। भारतीय सेना के सबसे घातक हथियारों से एक ब्रह्मोस मिसाइल माना जाता है। इस मिसाइल को भारत ने रूस के साथ मिलकर तैयार किया था। 2005 से इसे हमारी नौसेना में शामिल किया गया। सबसे ज्यादा सटीक वार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। सुपरसोनिक की स्पीड से यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक 200 से 300 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। T-90 भीष्म साउथ एशिया के किसी भी सेना में मौजूद टैंकों में सबसे ज्यादा सक्षम है। 48,000 किलो के वजनी इस टैंक में 3 जवान बैठकर किसी भी मुश्किल क्षेत्र में पहुंच सकता है। यह 5 मीटर तक गहरे पानी से होता हुआ दुश्मन पर वार कर सकता है। T-90 भीष्म में 125 mm की 4 मशीन लगी होती है, जिनकी मारक दूरी 10 किमी तक है। इसे 1993 में भारतीय सेना में शामिल गया। इस टैंक प्रयोग रात के अंधेरे में भी किया जा सकता है, क्योंकि यह अंधेरे में देखने की तकनीक से लैस होता है। इसमें खतरे को भांपने वाले सिग्नल भी मौजूद हैं, जो सैनिक को पहले ही आगाह कर देता है। टैंकरोधी मिसाइल नाग को भारतीय सेना की जान कहा जाता है। दुनिया के किसी भी सेना के टैंक को यह मिसाइल कुछ ही क्षणों में ध्वस्त कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 4 से 5 किलोमीटर है। वहीं नाग कैरियर में एक बार में 12 मिसाइल तैनात की जा सकती हैं और एक साथ 8 मिसाइलों को दागा जा सकता है। परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी वाला देश भारत दुनिया का 6ठा देश है। पनडुब्बी INS चक्र का वजन 8,000 टन है। भारत से पहले परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के पास थी। भारत की INS चक्र की जद में चीन और पाकिस्तान समेत कई देश हैं। भारत में ही यह निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सीमा में और मध्यम दूरी में मौजूद दुश्मन के ठिकाने में पलक झपटते ही निशाना बना कसता है। पिनाक से महज 44 सेकंड में ही 12 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। पिनाक से लॉन्च किए गए रॉकेट्स की मारक क्षमता 40 से 65 किमी तक है। पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध में पिनाक से बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इससे पहाड़ों की चोटियों में दुश्मन की चौकियों को नस्तनाबूद कर दिया गया था। युद्धक विमान वाहक इस पुत को भारतीय नौसेना में 2013 में शामिल किया गया। 4,53,000 टन भार वाले इस पुत की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर है। इस युद्ध पोत में कई श्रेणियों के लड़ाकू विमान, एंटी मिसाइल तकनीक, चेतक और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर और 30 तेजस विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसमें क्रू मेंबर समेत 1,600 जवान तैनात हो सकते हैं। इस पुत के 1,000 किलोमीटर दायरे पर कोई भी दुश्मन फटकने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। रूस की मदद से बना फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई भारतीय सेना का सबसे ज्यादा तेज गति से उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। उड़ने के दौरान हवा में इसकी फुर्ती और गति ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सुखोई विमान में 14 रॉकेट या परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस भी तैनात की जा सकती हैं। इस विमान में कम ईंधन खपत वाले 2 जेट इंजन लगे होते हैं। अगर एक इंजन बीच में खराब हो जाता है तो यह विमान एक इंजन से ही उड़ सकता है। यह चालाकी से दुश्मन के इलाके में घुसने और उसके हवाई क्षेत्र पर कब्जे करने में सेना की मदद करता है। यह फाइटर जेट करीब 4 घंटे में 3,000 किमी तक की दूरी के मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। इतना ही नहीं, आकाश में उड़ान के दौरान ही इसमें किसी विमान से ईंधन भरा जा सकता है। यह लगातार 10 घंटे तक हवा में रह सकता है।